हाय बच्चों, तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा जनरल टर्म। क्या देखा बच्चे? जनरल टर्म। व्हाट इज जनरल टर्म? तो जनरल टर्म निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। आरएथ टर्म लिखने के लिए टीआर क्या होता है? एनसी आर माइनस वन और एक कम, इससे एक कम, और एक्स का पावर दोनों का डिफरेंस, एक्स का पावर दोनों का डिफरेंस और वाई का पावर लोअर सफिक्स। तो ये आप जनरल टर्म लिख सकते हैं बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखने के लिए ये टी आर का रिजल्ट आपको यूज करना होगा। इसमें हम लोगों ने कुछ सवाल किया था बच्चों, तो सवाल और देखते हैं आज। नेक्स्ट सवाल कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ आपको बाइनोमियल दिया हुआ है x प्लस x का पावर log x टू दी बेस 10। x प्लस x का पावर log x टू दी बेस 10 का पावर 5 is equal to 10 का पावर 6। पहले सवाल समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसका जो थर्ड टर्म है वो 10 का पावर 6 है। मतलब इसका जो थर्ड टर्म है वो दिया हुआ है 10 का पावर 6। तो हम लोग थर्ड टर्म लिखेंगे कैसे बच्चे? थर्ड टर्म लिखने का क्या तरीका है? इसमें टोटल कितना टर्म होगा? 6 टर्म होगा। तो थर्ड टर्म लिखने के लिए 5C2 एक कम, T3 है तो यहाँ पे 2, और इस पे पावर होगा दोनों का डिफरेंस। तो 5 में से 2 गया 3, और इस पे पावर होगा लोअर इंडेक्स log x टू दी बेस 10 का पावर 2, और ये दिया हुआ है 10 का पावर 6। कोई दिक्कत? 5C2 का वैल्यू कितना बच्चे? 5C2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 × 4 और बाई फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 10। ये आ जाएगा 10। तो 10 और बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, और पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 प्लस 2 log x टू दी बेस 10, ये आ गया मेरे बच्चे 10 का पावर 6, और ये से 10 कैंसिल करेंगे तो इधर आ जाएगा 10 का पावर 5। x कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों साइड log ले लेते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, जिसका बेस रखते हैं मेरे बच्चे 10। x का पावर 3 प्लस 2 log x टू दी बेस 10, और इधर भी log ले लेते हैं बच्चे, log 10 का पावर 5 और बेस कितना 10, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 log x टू दी बेस 10, और यहां से आ जाएगा बच्चे log x टू दी बेस 10, और ये पूरा आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, अब log x टू दी बेस 10 को कुछ मान लीजिए, तो log x टू दी बेस 10 को यदि मैं मान लू t, तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस 2t इंटू टी इक्वल टू 5। तो यहां से आ जाएगा बच्चे 3t प्लस 2t स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 × 2 = 10, तो 2t स्क्वायर 5t माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू 0 मेरे बच्चे, तो t कॉमन लेंगे तो 2t प्लस 5 और माइनस 1 कॉमन लेंगे
तो 2t + 5 = 0, तो यहां से आ जाएगा t - 1 × 2t + सिंपल क्वाड्रेटिक है 5 = 0, तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा 1 और t का वैल्यू आ जाएगा -5/2। आपको t नहीं निकालना, आपको x निकालना है, तो log x^10 = 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10, x का वैल्यू हो जाएगा 10, और यहां पे log x^10 = -5/2, तो यहां से x आ जाएगा मेरे बच्चे 10^-5/2, तो दो वैल्यू होगा और दोनों वैलिड x होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल टर्म पे इस तरह का सवाल आता है मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। इफ द फोर्थ टर्म in the expansion of क्या कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है, px + x^-1 पूरे का पावर m, इसका चौथा टर्म दिया हुआ है 2.5 for all x belongs to r, then find p and f, दोनों कैलकुलेट करना है, p भी कैलकुलेट करना है और m भी कैलकुलेट करना है, p और m दोनों, दो दो अननोन है मेरे बीच, इक्वेशन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फोर्थ टर्म है वो दिया हुआ है 2.5 यानी 5/2। फोर्थ टर्म लिखते हैं कैसे, तो m c3 और px का पावर, दोनों का डिफरेंस m-3 और x का पावर -1 का पावर लोअर सफिक्स 3 और ये आ जाएगा 5/2, है ना। mc3 m × m-1 × m-2 बाई फैक्टोरियल 3, एनसीआर निकालने आ रहा है, और p का पावर m-3 और x का पावर आ जाएगा बच्चे m-3 और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 5/2। समझिएगा, मतलब ये 2.5 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब x पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। x पर कब डिपेंड नहीं करेगा, जब x का जो पावर होगा मेरे बच्चे वो 0 हो जाएगा, यानी m-6 को क्या होना होगा 0, यहां से m का वैल्यू आ गया 6। m6 कैसे निकला, क्योंकि जो x का जो फोर्थ टर्म है वो 2.5 है, उसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है। x इन्वॉल्व कब नहीं होगा, जब x का पावर 0 होगा, यानी m का वैल्यू हो गया 6। अब m का वैल्यू 6 यहां डाल देंगे, तो 6 × 5 × 4/3 और p का पावर 6 - 3 = 3 और ये आ जाएगा 5/2। 6 से फैक्टोरियल 6 ये कट गया, 5 से 5 कट गया, तो p का पावर 3 आ जाएगा 1/8, यानी p आ जाएगा मेरे बच्चे 1/2, p आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से m भी निकल गया और p भी निकल गया, तो tr का ये कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से आप अननोन वाला वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन वाला वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन binomial expansion of क्या दिया हुआ है, under root x का power 1 by 1 + log x^10
प्लस एक्स का पावर 1/12। बाइनोमियल एक्सपेंशन को देख के डरना नहीं है, 6। इसका जो चौथा टर्म है इज इक्वल टू 200, जो ईमेल में आया हुआ है इज इक्वल टू 200, और एक्स दिया हुआ है एक से ज्यादा, एक्स दिया हुआ है एक से ज्यादा, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है मेरे बच्चे, 100, 10 है ना, 10 का पावर 3 और 10 का पावर 4। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म वो 200 दिया हुआ है, इसका जो फोर्थ टर्म है ये दिया हुआ है 200। फोर्थ टर्म लिखेंगे कैसे, 6C3 एक कम, इंडेक्स 6 है तो 6C3, और इस पे पावर तो ये है x का पावर, और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 × 1 log x^10, रूट को मैंने हटा दिया, इस पर पावर दोनों का डिफरेंस, इस पर पावर दोनों का डिफरेंस यानी 3, और x का पावर 1/12, इस पे पावर लोअर सफिक्स 3 आ गया। ये पूरा वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। What is 63? 6 × 5 × 4/3 निकालने आ रहा है 20, ये वैल्यू आ गया आपका 20। इसको समझेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 × 1 log x^10, और ये आ जाएगा x का पावर कितना बच्चे, 1/4, और ये आ गया 200। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 10 बेस से में पावर ऐड होगा तो x का पावर 3/2 × 1 log x^10 और प्लस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और ये आ जाएगा इसके बराबर, 10 के बराबर। अब मेरे बच्चे ये जो खतरनाक एक्सप्रेशन पावर में है ये नीचे कब आएगा, जब दोनों साइड लॉग लेंगे, जिसका बेस कितना होगा, जिसका बेस होगा 10, ये पावर आगे आ जाएगा 3/2 × 1 log x^10 प्लस 1/4, ये पूरा पावर आगे आ गया, और यहां बचेगा बच्चे log x^10, और ये वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे log x^10 को कुछ मान लीजिए, आप t मान लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, तो 3/2 × 1 + t और प्लस 1/4 × t, ये पूरा आ गया 1 मेरे बच्चे। एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम यहाँ लेंगे 2 × 1 + t, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 या 4 ले लें, 4 × 1 + t, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + t, ठीक है, 2 × 3 = 6 और 1 + t और into t equal to 1, ये हो जाएगा t² + 7t और ये आ जाएगा 4 + 4t, t² + 3t -4 = 0, पार्टी बन गया बच्चों, t² + 4t - t - 4 = 0, तो यहां से आ जाएगा t × t + 4 और -1 × t + 4 = 0, तो यहां से t का दो वैल्यू आएगा मेरे बच्चे, 1 और -4, कि जिसको माने रिटर्न कर दीजिए log x^10 = 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10,
और log x टू दी बेस 10 इक्वल टू माइनस 4, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 10 का पावर माइनस 4, लेकिन आपका x क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाकर देखिए, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू 10 इज द बी ऑप्शन। इस तरह से इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को देख के आपको डरना नहीं है, इससे आपको डरना नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। टीआर का ही कॉन्सेप्ट है, सवाल का लेवल बदल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स in the expansion of 3 का पावर 1/5, 2 का पावर 1/3 का पावर 15। इसको समझते हैं, इसमें कितना रैशनल टर्म्स होगा, रैशनल टर्म्स कितना होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं इसका टीआर। व्हाट इज टीआर? अब बोलिएगा सर 15 CR-1, और इस पे पावर दोनों का डिफरेंस यानी 16 R, और सेकेंड टर्म पे पावर लोअर सफिक्सेस R-1, तो यहां से आ जाएगा 15 CR-1 और ये 3 का पावर 16 R/5 और 2 का पावर R-1/3। अब समझेंगे, एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है, इसको रैशनल होने के लिए ये जो पावर है इसको इंटीजर होना होगा और इसका जो पावर है इसको भी इंटीजर होना होगा। तो लिखेंगे फॉर टीआर टू बी रैशनल, उस टर्म को रैशनल होने के लिए। पावर यदि रेडिकल्स में आ गया तो बच्चों 1/2 आ गया तो इरेशनल हो जाएगा ना। तो टीआर को रैशनल होने के लिए 16 R/5 को इंटीजर होना होगा और R-1/3 को भी इंटीजर होना होगा, दोनों वैलिड होना होगा। अब हमको ढूंढना है कि किस आर पे दोनों इंटीजर हो। तो पहले आर का वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे, पहले तो 1 पे मिला। अब ये 5 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है, तो दोनों किससे डिविजिबल होगा, 15 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 15 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा 16। एक ढूंढ लीजिए और एलसीएम उसमें ऐड कर दीजिए तो 16 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म और जो 16th टर्म होगा इसका आर रैशनल टर्म्स, बाकी सब इरेशनल आएगा। इसके एक्सपेंशन में टोटल 16 टर्म में से हमको बताना था कौन सा टर्म रैशनल होगा। तो पहला और 16वां टर्म आर रैशनल टर्म्स, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो हो गया मेरे बच्चे वो हो गया 2। इसी में आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो इरेशनल टर्म्स का संख्या हो जाएगा, टोटल है 16 और 2 रैशनल है, तो जो 14 होगा वो आपका हो जाएगा इरेशनल टर्म्स आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका, क्लियर है ये बात? एक सवाल और इस पे करते हैं। Find the number of irrational terms in the expansion of 5 का पावर 1/6 + 2 का पावर 1/8
और पूरे का पावर 100। इसमें टोटल कितना टर्म होगा बच्चे? 101 टर्म होगा। 101 टर्म में से ढूंढना है कि कितना इरेशनल टर्म होगा। तो इरेशनल टर्म के लिए हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग रैशनल टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो इसका टी आर निकालिए पहले, ये हो जाएगा 100 सी आर माइनस 1। 5 का पावर 1/6 पे दोनों का डिफरेंस 101 माइनस आर, और 2 का पावर 1/8 पे लोअर सफिक्स कर देंगे आर माइनस 1। यहां से आ जाएगा बच्चे 100 सी आर माइनस 1 और 5 का पावर 101 माइनस आर बाई 6, ध्यान समझिएगा, और 2 का पावर आर माइनस 1/8। और फॉर टी आर टू बी रैशनल, टी आर को रैशनल होने के लिए क्या पढ़ाया कि 101 माइनस आर बाई 6 को क्या होना चाहिए? इंटीजर। और r माइनस 1/8 को भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। दोनों इंटीजर हो गया तो रैशनल हो जाएगा, नहीं तो फिर इरेशनल हो जाएगा, रेडिकल्स आ जाएंगे। अब एक आपको r ढूंढना होगा कि किस r पे ये दोनों इंटीजर आ रहा है। तो सबसे पहला r आएगा छोटा 17 डालिए, 17 माइनस 1 18 बाई 8, 17 माइनस 1 16 बाई 8, 2 इंटीजर, और ये भी इंटीजर आएगा। बोलेगा सर बाकी कैसे निकालेंगे? तो बाकी के लिए 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, सांस समझिएगा। तो 2 से 3, 2 से 4, एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम इसका आ जाएगा 24। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो 6 से डिविजिबल होगा और 8 से डिविजिबल होगा वही इंटीजर देगा, दोनों इंटीजर। एक 17 निकल गया और 17 के बाद इसमें 24 जोड़ देंगे, तो 24 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट कितना आएगा बच्चे? 7 4 11 के खाते में 41 है, फिर नेक्स्ट 24 फिर जोड़ देंगे क्योंकि नेक्स्ट उसका 24 से ही डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो 65, और इसका नेक्स्ट आ जाएगा आपका 89, और इसके बाद नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आपको 101 तक ही जाना है, इसके बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये r बराबर 17 41 65 89 ये सब रैशनल टर्म्स होगा। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना? नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना? 4। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो इरेशनल में लिए टोटल में से रैशनल को घटा देंगे, तो टोटल कितना है? टोटल 101 टर्म में से 4 घटा देंगे बच्चे, तो आ जाएगा 97, यानी 97 इसमें इरेशनल टर्म्स होगा। तो रैशनल निकाल के घटा देंगे टोटल में से, तो इरेशनल टर्म्स आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों, इस पर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टर्म फ्रॉम द एंड। कभी कभी आपसे बोलेगा अंतिम से टर्म निकालिए, बिगिनिंग से नहीं, अंतिम से, ध्यान समझना। तो एक